सरल, सहज और स्वास्थ्य से भरपूर जीवन जीने का एकमात्र तरीका योग है। भारतवर्ष में वर्षों से योग किया जा रहा है। योग करने से न सिर्फ शरीर स्वस्थ होता है बल्कि मन भी शांत रहता है। हालांकि इन दिनों योग करने के कई तरीके प्रचलित हो चुके हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य स्वस्थ तन और मन से है। जिस तरह आजकल हमारा जीवन अति व्यस्त और विभिन्न कठिनाइयों से भरा हुआ है, उसके मद्देनजर योग का महत्व और बढ़ गया है। नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के जमाने में अगर देखा जाए तो हमारी गलतियों की वजह से हमें बहुत सारी शारीरिक परेशानियों को झेलना पड़ता है। उनमें से एक थायराइड भी है। इन दिनों जिसे देखो उसे थायराइड है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे योग जिसमें आप थायराइड को एकदम कम कर सकते हैं। जी हाँ, इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही साथ इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर थायराइड होता क्या है। थायराइड कोई रोग ना होकर गर्दन में पाई जाने वाली एक ग्रंथि का नाम है। यह ग्रंथि शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। हम जो कुछ भी खाते हैं, यह ग्रंथि उसे ऊर्जा में बदलने का काम करती है। साथ ही हृदय, हड्डियों, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करती है। इसके अलावा यह ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन का भी निर्माण करती है, एक है T3 और दूसरा है T4। दोस्तों, ये दोनों हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं तो वजन बढ़ने या कम होने लगता है, जिससे आम बोलचाल में थायराइड कहा जाता है। अब बात करते हैं कि थायराइड को आप किन किन योगों की सहायता से दूर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला योग है सर्वगासन। दोस्तों, यह तीन शब्दों से बना है। सर्व का अर्थ होता है सभी, अंग का अर्थ होता है शरीर और आसन का अर्थ है मुद्रा। नाम के अनुसार इस योगासन के बहुत फायदे हैं। यह कंधे के सहारे किए जाने वाला योग है। इसे करते हुए पूरा शरीर का भार कंधों पर आता है। इससे पूरे शरीर पर सकारात्मक असर पड़ता है। अब दोस्तों, जानते हैं इसे करने की आखिर प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल लेट जाए, हाथों को शरीर के साथ सीधे तौर पर सटाकर रखें, फिर अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। इसके बाद अपने कूल्हो और कमर को भी ऊपर की ओर उठा लें। इसके बाद कोहनियों को जमीन पर टिकाते हुए पीठ को अपने हाथों के जरिए सहारा दे और पैरों और घुटनों को ऊपर की ओर बिल्कुल सीधा कर दे। घुटने और पैर आपस में मिले हुए होने चाहिए। इस दौरान शरीर का पूरा भार आपके कंधों, सिर और कोहनियों पर होना चाहिए, थोड़ी छाती पर भी लगे। दोस्तों, इस मुद्रा में करीब 1-2 मिनट तक आपको रहना होगा और लंबी लंबी गहरी सांसें आपको लेनी होंगी। अब वापस पैरों को पीछे की ओर ले जाएं और हाथों को सीधा करते हुए कमर को जमीन से सटाएं और पैरों को धीरे धीरे वापस जमीन पर ले जाएं। दोस्तों, जिन्हें गंभीर थायराइड, उच्च रक्तचाप, कमर में दर्द, हर्निया, कमजोरी या फिर गर्दन या कंधे में चोट लगी है, उन्हें इस खास योग को परिशिक्षित की देखरेख में ही करना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरा खास आखिर योग कौन सा है जो थायराइड को दूर कर सकता है। यह है मत्स्यासन। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसे करते समय शरीर मछली के आकार का हो जाता है। इसे इंग्लिश में फिश पोजा योगा कहते हैं। सर्वगासन की तरह इस योग को भी, क्योंकि इसके बहुत लाभ है। इसे करने से कमर दर्द कम होता है, गर्दन से जुड़ी समस्या दूर होती है, पेट की चर्बी कम होती है और सबसे अहम बात, ये थायराइड में रामबाण की तरह काम करता है। अब बात करते हैं इसे करने की विधि क्या है, यानी कि प्रक्रिया क्या है। जमीन पर आपको पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाना है और हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते हुए पीठ के बल लेट जाए। अब हाथों की मदद से शरीर को ऊपर उठाएं और पैर और सिर के बाल पर शरीर को संतुलित कर लें। इसके बाद बाएं पैर को दाएं हाथ और दाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ लें। दोस्तों, इस दौरान कोहनियों और घुटने जमीन से सटे होने चाहिए। इस स्थिति में रहते हुए धीरे धीरे सांस लेते और छोड़ते रहें। करीब 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आपको इस अवस्था में रहना है।
इसके बाद सांस छोड़ते हुए हाथों का सहारा लेते हुए वापस लेट जाएं और फिर उठते हुए प्रारंभिक अवस्था में आकर सीधे बैठ जाएं। इस तरह से करीब 3-4 चक्र आपको करने होंगे। दोस्तों इसके लिए क्या सावधानी आपको बरतनी है? दोस्तों अगर आप रीढ़ की हड्डी के किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हैं, घुटनों में दर्द है, हर्निया है या फिर अल्सर की बीमारी है तो आप यह योगासन ना करें। दोस्तों यह खास दो योगासन अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको थायराइड की बीमारी से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए आपको करीबन इसे 2 हफ्तों से लेकर 1 महीने तक लगातार करना होगा, वो भी सुबह के समय। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको निश्चित ही फायदा होगा और थायराइड की बीमारी से भी निजात मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।